दोस्तों ये देखिए मेरा जो नाश्ता है अच्छा बना है। वैसे अपने साइड में ढाबा में मिलता है ना पनीर के पराठे। हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं दिल से विश करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें। सो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, आज 10 बज गया, आज मेरे को लेट हो गया थोड़ा। तो आज ना मैं मतलब नहा के मैं पूजा वूजा मेरी कंप्लीट हो गई है, तो सोच रही थी सुबह से कि नाश्ते में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मेरे पास पनीर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज मैं पनीर के पराठे बनाती हूँ, और थोड़े आलू भी मैश रखे हुए हैं। तो मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, पनीर के पराठे के आलू के पराठे, या फिर दोनों को मिक्स करके मैं सोच रही हूँ कि मैं वो बनाती हूँ। तो देखते हैं क्या बनाते हैं अभी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अनार भी मंगवाए थे, क्योंकि मैं जो जूस है वो अनार का घर पे ही निकालती हूँ। तो ये मैंने अनार मंगाया है, मैं इनका जूस भी निकालूंगी अभी, दिखाऊंगी आपको। चलिए दोस्तों बनाते हैं ब्रेकफास्ट, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों मेरे पास ये पनीर है, बट ये पनीर जो है तोफू पनीर है, तो मेरे पास ये कम है। अब मैं इसमें थोड़े से ना आलू ऐड करूँगी। अब मैंने थोड़ा सा इसमें से लड्डू के लिए निकाल के अलग से रखा है, ये देखिए। और मैं इसमें थोड़े से आलू और प्याज ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास आलू ना ऑलरेडी रखे हुए थे उबले हुए, तो मैंने सोचा कि थोड़े से इसमें आलू और प्याज भी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स मेरी सब चीज़ रेडी हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लड्डू के लिए अलग से निकाल दिया है बिल्कुल। और ये मेरा जो है फुल न्यूट्रिशन वाला आटा है, जो मैंने आपको दिखाया था मेरी लास्ट वीडियो में कि ये मैंने कैसे बनाया है। मैंने इसमें जो है सारा मसाले ऐड कर दिए हैं, ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाती हूँ पराठा। मेरी फर्स्ट पराठा जो है मैंने भगवान के भोग के लिए बनाया है। तो दोस्तों लड्डू का जो भोग है मैंने लगा दिया है, क्योंकि बाकी में मैंने प्याज डाली तो इसलिए मैंने लड्डू का भोग सबसे पहले लगा दिया है। और अब मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दूंगी। ये देखिए ये हमारे लड्डू और कान्हा, और मैंने इनका भोग लगा दिया है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों बाकी पराठे जो है हमारे बन के रेडी हैं। मैंने इसमें आपको बताया था प्याज मिक्स करी है, उससे पहले जो मैंने बनाया था वो भोग के लिए बनाया था सिंपल एकदम पनीर का, और इनमें प्याज मिक्स करी हुई है, आप देखिए। दोस्तों ये देखिए मेरा जो नाश्ता है वो रेडी है, और अब मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने इनको नाश्ता दे दिया है, ये भी नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे थे तो ये थोड़ा सा फ्री हो गए हैं, तो मैं इनसे भी मिलवाती हूँ आपको। हाय दोस्तों, आज सवेरे पनीर का पराठा बनाया है, तो अभी खा के देखता टेस्ट हूँ। करके बताएंगे कैसा बनाया है। टेस्ट करके बताइए कैसा बनाया है, कैसा बनाया है, अच्छा बनाया है। वैसे अपने साइड में ढाबा में मिलता है ना पनीर के पराठे, वो वैसे टेस्ट है। मैंने इसमें थोड़ा मसाले ना थोड़े ऐड करके अच्छे से बनाया है, इसलिए ये मेरा लास्ट पराठा है। मैं ये भी बना रही हूँ, किचन भी देखे कितनी गंदी हुई है एकदम। अब मैं इसको बना के पहले ये साफ करूँगी सब चीज़, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी। अब नाश्ता मैंने बना चुकी हूँ, किचन मैंने साफ़ कर दी है, बर्तन मैं भी थोड़ी देर में करूँगी, इतने में नाश्ता कर लेती हूँ और मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। दोस्तों मेरा नाश्ता कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं जो है थोड़े अपने काम करूँगी, क्योंकि मैं सोचूँ मशीन लगा के कपड़े धोऊँ। तो सुबह मॉर्निंग में थोड़ा बारिश का मौसम था, तो मैंने इसलिए लगाई नहीं थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मशीन लगा के कपड़े धोऊँ, तो मैं जो मेरे काम पेंडिंग है मैं पहले वो कम्प्लीट कर देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स अब मेरा सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, और मैंने अपनी किचन भी प्रॉपर साफ़ कर दी है, और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, किचन भी साफ़ हो चुकी है एकदम, ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, और मैंने ये देखिए कपड़े भी धो दिए हैं अपने, ये देखिए। और मौसम भी अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है अच्छी अच्छी तो फ्रेंड्स अब शाम हो चुकी है, और हमारी भगवान जी की पूजा भी हो गई है। तो मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। और आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और अच्छी चीज़ वीडियो लेके। बाय, टेक केयर।